राधे राधे दोस्तों, कुक विद उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी हलवाई स्टाइल गोभी आलू मसाला बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोभी आलू मसाला बनाने के लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे। 1/4 कप सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, 2 कटे हुए आलू डालेंगे। आलू को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि आलू गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे। इसी तेल में 500 ग्राम कटी हुई गोभी डालेंगे। गोभी को भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि गोभी भी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। इन्हें भी एक प्लेट में निकालेंगे। इसी तेल में 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, कद्दूकस की हुई 1/2 चम्मच अदरक डालेंगे, कट की हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे। लो फ्लेम पे हल्का सा भूनेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज में प्याज और लहसुन का पेस्ट डालें और फिर भून लें। अब हम इसमें 4 टमाटर की प्योरे डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप फ्रेश हरी मटर डालेंगे। आप फ्रोजन हरी मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल अलग हो गया है, मसाला भुन गया है। इसे एक बार चलाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्राई किए हुए आलू डालेंगे, मिक्स करेंगे। फ्राई की हुई गोभी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। सब्जी को लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। सब्जी को एक बार चला लेंगे। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जी बनके तैयार है। गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, झटपट से बनके तैयार है हलवाई स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गोभी आलू मसाला। आप इसे चपाती, पराठे, नान या राइस के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।